अधिकारियों को कवि के घर में कुछ नहीं मिला। सर झुकाकर शर्म के मारे वे वहां से जाने लगे तो कवि उनसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिन लोगों के घर में सोने चांदी के पलंग और सुपे होते हैं आप उन्हें निकलवा लेते हैं, उसमें से धन निकलवा लेते हैं, लेकिन जिनके घर में बैठने के लिए टूटी कुर्सी भी नहीं है उन लोगों को कुछ देकर तो जाइए, उन्हें बैठने के लिए एक तत्व देकर जाइए। छापा इस कविता में कवि ओम प्रकाश आदित्य जी हास्य व्यंग द्वारा हमारा मनोरंजन भी करते हैं, और छापा मारने आए अधिकारी किस तरह छापा मारते हैं, उनके छापा मारने का तरीका कैसा होता है, और इस साथ ही साथ गरीब जिनके घर में खाने के लाले होते हैं उनके घर में अगर अधिकारी छापा मारने के लिए चले जाते हैं तो क्या अधिकारी उन्हें कुछ देकर जाते हैं, क्योंकि वहां उन्हें कुछ नहीं मिलता। इस कविता के माध्यम से गरीब की स्थिति का दर्द भरा वर्णन कवि ओम प्रकाश आदित्य जी ने किया है। इस कविता के माध्यम से हमारा मनोरंजन भी होता है और साथ ही साथ हमारी सामाजिक परिस्थिति का ज्ञान भी हमें मिलता है। गरीब किस तरह भूखा सोता है, उसे ओढ़ने के लिए चादर नहीं होती, खाने के लिए निवाला नहीं होता, बैठने के लिए टूटी कुर्सी नहीं होती, ऐसी स्थिति में वह अनधिकृत रूप से धन कैसे अर्जित कर सकता है। हमारे देश के गरीब की यही हालत हमें दिखाई देती है।